से छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है, इतना प्यार किसी से पहली बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल फैमिली स्टार्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चिकन पुलाव की रेसिपी। इसके लिए मुझे चाहिए प्याज। ये प्याज है, ये दो दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज कट कर लिए, और चिकन ये तकरीबन 1.25 किलो या 1.5 किलो ये इतना है ये, ठीक है। फिर इसके लिए मुझे चाहिए दो दरमियाने साइज़ के टमाटर, सब्ज मिर्च 4 अदद, ये लहसुन के 3 जवे, और 1.5 से 2 इंच अदरक का टुकड़ा है जो मैंने क्रश कर लिया है। अच्छा सर, अब ये सूखे मसालों में ये चिली फ्लेक्स, ये जाएंगे 2 टीस्पून, 2 से 2.5 भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ये कर सकते हैं। तो थोड़े से लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी और ज़ीरा, 1.5 टेबल स्पून ये जाएगा। इस वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। लेट्स गो, रेसिपी की तरफ चलते हैं। और ये मैं डाल रही हूँ 1.5 कप ऑयल, ये मैं 1.5 कप ऑयल डाल रही हूँ। ये मैंने ऑन कर दिया है, अब इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे ये जो प्याज हमने कट करके रखे थे ना, ये डालेंगे, ठीक है। अब इसमें अब इनको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, जैसे कि पुलाव के लिए चिकन पुलाव बनाने जा रहे हैं तो पुलाव के लिए जैसे प्याज थोड़ा सा ब्राउन करने होते हैं। ये देखें, ये हमारे प्याज जो हैं ये फ्राई हो रहे हैं, और ये अभी जैसे हमें चाहिए वैसे नहीं हुए, थोड़े से अभी करने हैं तो आपको दिखाती हूँ। चावल मैंने लिए हैं, वो मैं ना ग्लासों के हिसाब से लेती हूँ, तो मैंने 4 ग्लास चावल लिए हैं, तो उसके हिसाब से मैंने ये चिकन लिया और ये मैं कर लूँ। चावलों को मैंने भिगो दिया धो के, तो तकरीबन 1/2 घंटा चावल भिगोने में बस। तो दिखाती हूँ फिर आपको उसकी, ये जब हम आते हैं, ये देखें ये प्याज हमारे जैसे हमें चाहिए वैसे हमने कर लिए, ठीक है। ये। और इधर मैंने जो अदरक और लहसुन का वो 2 जो 1 मैंने रख लिया, और 2 हरी मिर्च और टमाटर, ये इनको मैंने क्रश करके मिक्स कर लिया, तो ये मैं अब इसमें डाल दूँगी, ये अब इसमें डाल दूँगी। ये प्याज हमें इस तरह का चाहिए, ये मैं डाल दूँगी। ये मैंने सारी चीज़ें मिक्स करके कर ली थी क्रश करके, तो ये मैंने इसमें डाल दी, ठीक है। अब इसमें मैं ये चिकन डाल दूँगी, ठीक है। ये देखिए, ये मैं चिकन डाल दूँगी, ये मैंने चिकन डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा भून लूँगी चिकन का, इसका हल्का रख देती हूँ, और इसमें ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी ये सारी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये ज़ीरा नहीं, बस डालूँगी, बाकी सब कुछ इसमें डाल दूँगी, ये सारी चीज़ें इसमें मैं डाल दूँगी, ये बाद में जाएगा। इसको भून, चिकन को भून, देखें ये हमारा चिकन, ये हमारा चिकन, ये भून चुका, ये मैंने भून लिया, ठीक है। अब
अब इसमें मैं थोड़ा सा लव मसाला जो है ना वो ऐड करूँगी। एक मिनट, ये मैं लव मसाला थोड़ा सा ऐड करूँगी, ठीक है। अब इसको मिक्स करेंगे, अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी मैंने 4 गिलास के हिसाब से मैंने चावल लिए थे, ये वाला ग्लास है ये ठीक है, इसके हिसाब से। तो अब इसमें पानी जाएगा 5 से 6 गिलास, यानी कि 5.5 भी इतना पानी मैं इसमें डालूँगी। ये देखें, 1, 2, ये मैंने पानी डाल दिया, ये मैंने 5.5 गिलास डाला पानी। अब ये मैं नमक डाल रही हूँ इसमें, ये नमक 2 से 2.5 टेबल स्पून है, तो ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने ये डाला और इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करके तो ये मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ढक्कन रखती हूँ और ये इसको पानी को उबाल ला। ये मैंने चावल धो के, मैंने 4 गिलास चावल इनको मैंने भिगो लिया था, तो ये भीग चुके हैं। अब इनका पानी उतार रही हूँ, उधर मेरा और चिकन में पानी का उबाला आ रहा है, तो वो जब आता है तो फिर मैं इसको उसमें ऐड कर दूँगी, तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखें ये पानी का उबाल आ गया, ये देखें, ठीक है। अब इसमें मैंने ये जो जीरा रखा था अब मैं इसमें अब ऐड कर दूँगी, ठीक है। मैं इसमें जीरा ऐड कर दूँगी। अब इसमें ये मैं इसको मिक्स करती हूँ, ये मैंने मिक्स कर दिया। अब इसमें मैं चावल डाल रही हूँ, ये मैं चावल डाल रही हूँ। मैंने चावल डाल दिए, ये चावल डाल दिए। अब इनको मैं थोड़ा सा मिक्स करती हूँ, ये अब ये मैंने मिक्स कर लिए, इनमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। अब इस ये जो मैंने मिर्चें दो रखी थी, ये जो सब्ज़ मिर्च है ये मैं डाल रही हूँ, ठीक है। अब ये डाल रही हूँ और ये मैंने एक ये जो मैंने एक लहसुन का जब अब बचा के रखा था, ये मैं इसके ऊपर अब क्रश करने लगी। ये देखें, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही यम्मी आता है, बहुत मज़े का होता है। तो ये देखें, ठीक है, तो ये मैं ये देखें पानी में बॉयल आ रहा है और इसका मैं अभी इधर नमक टेस्ट करती हूँ, नमक चेक करती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कम लग गया तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगा। ये अब इसमें मैं ये पिसा हुआ गरम मसाला, इसमें सारा गरम मसाला मिक्स है, सूखा धनिया और ये सारा, ये तकरीबन 1.5 से 2 टीस्पून ये मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर ये, और इसको मैं मिक्स करके इसको चावलों को मैं दम पे लगा दूँगी, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। ये देखें, ये मैंने मिक्स किया, ये साइड साइड से करके करना है। और ये अब मैं आपको ये देखूँ, ये इसको मैं दम पे लगा दूँगी, ये मैं दम पे लगाने लगी हूँ। देखना, ये हमारा ये मैं दम पे लगाने लगी हूँ इसको, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसकी आँच हल्की सी कर दूँगी और इसको मैं 10 मिनट और इसको मैं 10 मिनट जो है ना वो दम पे लगाऊँगी। ये अब देखते हैं चावलों को, ये देखें, ये हमारे चावल, ये देखें माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं। ये देख लेते हैं ये देखें,
ये हमारे ये चावल तैयार हो गया। अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखें ये हमारी फाइनल लुक, ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारे इसकी लुक है और खाने में भी ऐसे ही टेस्टी हैं। ये हम इसको रायते, दही के रायते के साथ सर्व करेंगे और ये आप भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने और अपने कमेंट्स दीजिएगा। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो अल्लाह हाफिज़। सबसे छुपा के तुझे सुने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है, इतना प्यार किसी से पहली बार।